क्या आपको पता है भारत में गाड़ियों की नंबर प्लेट पर IND क्यों लिखा होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये हम सब जानते हैं कि गाड़ी खरीदने के बाद उसको रजिस्ट्रेशन कराना और नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होता है, जिस पर कुछ कोड और नंबर लिखा जाता है। भारत में प्रत्येक वाहन को मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इन नंबर प्लेटों पर IND भी लिखा होता है? यह क्यों लिखा जाता है, इसका क्या अर्थ होता है, शायद आप नहीं जानते होंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। IND शब्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स की विशेषताओं की एक सूची का हिस्सा है, जो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में 2005 के संशोधन के भाग के रूप में पेश किया गया था। ये IND हाई सिक्योरिटी नंबर RTO के रजिस्टर्ड नंबर प्लेट वेंडर के पास ही मिलता है, और अगर कायदे से लिया गया IND नंबर प्लेट तो उसके ऊपर एक क्रोमियम प्लेटेड होलोग्राम भी लगा होता है, जिसे हटाया नहीं जा सकता है। उच्च सुरक्षा नंबर प्लेट्स लाने के पीछे सिर्फ सुरक्षा प्रदान करना मुख्य कारण है। इन नई प्लेटों को कुछ खास सुरक्षा सुविधाएं दी गई हैं, जैसे टेम्पर प्रूफ और स्नैप लॉक सिस्टम, जिसे हटाया नहीं जा सकता है। सड़क के किनारे विक्रेताओं द्वारा स्नैप लॉक को डुप्लीकेट करना लगभग असंभव है। ये पलटे आतंकवादियों द्वारा चोरी या दुरुपयोग के खिलाफ गाड़ियों के मालिकों को सुरक्षा प्रदान करती है। और मैं आपको साथ में बता दूं कि उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट क्या होता है। उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट 2001 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पेश किए गए वाहनों के लिए नंबर प्लेट है। यह 1 मिलीमीटर के विशेष ग्रेड एल्यूमिनियम से बना है और सफेद पीला परावर्तक शीट्स के साथ लेमिनेट कर दिया गया है। इसके पात्रों और उभरे हुए कुछ सुरक्षात्मक उत्कीर्ण लेख है, जो कि काले पर्चम के मुद्रांकित या इम्बॉक्स किए गए हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि गाड़ी के प्लेटों पे IND का क्या मतलब होता है। गाइस, अगर आज तक ऐसे फैक्ट नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड फैक्ट इन्फॉर्मेशन YT चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।